हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नाउन। नाउन जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, जो एक सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें एट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बात की थी। और एट पार्ट ऑफ स्पीच में से जो पहला है वो नाउन है, फिर दूसरा प्रोनाउन है, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो पहला बात कर रहे हैं हम लोग नाउन के। नाउन यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं संज्ञा। और हम बात करेंगे इस वाली क्लास में नाउन के, एक तरह से इंट्रोडक्शन के बात के बारे में बात करेंगे कि नाउन कहते किसे हैं, और थोड़ा सा आगे लेवल पे बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन केवल एक सिंपल जो आपने पहले स्कूल में या छोटे जब थे तब पढ़ी थी उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन भी तीन तरह की हो सकती है। नोशनल डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है उस हिसाब से, फंक्शनल डेफिनेशन के क्या काम करता है नाउन, और एक मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन कि भाई इसमें एस और ईएस जुड़ सकता है प्लूरल में, अपोस्ट्रोफे एस जुड़ सकता है। तो नाउन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, हम उस पर बात करने वाले हैं इस क्लास में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नाउन होते कितने प्रकार के, तो वो भी हम बात करेंगे डेफिनेशन के साथ में, काइंड्स ऑफ नाउन। तो इस क्लास में हमारा काइंड्स ऑफ नाउन और डेफिनेशन पे हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं नाउन के बारे में। देखिए, नाउन की हम बात करें तो इसको तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक नोशनल डेफिनेशन, नोशनल मीन्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है उस हिसाब से। तो आप जानते हैं कि नाउन का मीनिंग क्या होता है। नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना है जिसका मतलब होता है नेम। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग एन आइडिया। तो किसी आइडिया का, थिंग का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल के नाम को आप नाउन कहते हैं, वो इसकी नोशनल डेफिनेशन हो गई। फंक्शनल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक नाउन क्या क्या काम करता है। तो नाउन वो होता है जो ऐसा ऐसा पर्सन, ऐसा प्लेस, उसको आप नाउन कहते हैं जो कोई काम करता हो, किसका, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीन जो काम करता है वो फंक्शन है इसके। और नाउन के तीन काम होते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, उसे आप नाउन कहते हैं। मैं इनको अभी अलग अलग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसमें आप एस और ई एस जोड़ के प्लूरल बना सकते हैं। नाउन के प्लूरल होते हैं, सिंगुलर में आप एस और ई एस अगर जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकल में इसमें ना एक अपोस्ट्रोफे एस लग करके इसका पजेसिव केस बनता है। ओनली अपोस्ट्रोफे लग के भी बनता है और अपोस्ट्रोफे एस लग करके भी बनता है। तो तीन तरह की डेफिनेशन पे हम बात कर सकते हैं नाउन की। नोशनल डेफिनेशन जो मीनिंग बताता है इसका, फंक्शनल डेफिनेशन फंक्शन काम बताता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट तीन काम करता है। और मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन इसकी बात करें तो इसमें क्या जुड़ सकता है, सफिक्स प्रोफिक्स क्या जुड़ सकते हैं। तो इसमें एस और ई एस जुड़ के इनका प्लूरल बनता है और अपोस्ट्रोफ एस लग के इनका पजेसिव केस बनता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह की इसकी डेफिनेशन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नोशनल डेफिनेशन। नोशनल नोशन वर्ड से बना है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, इसके मीनिंग के हिसाब से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, नोशन के हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका नोशन क्या होता है। देखिए, नाउन इज अ मीनिंगफुल वर्ड, नाउन एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका कोई एक मीनिंग होता है, जिसका कोई एक अर्थ होता है। नाउन इज अ मीनिंगफुल वर्ड, नाउन का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है। द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन, ये लैटिन वर्ड नोमेन से बना है। नोमेन मतलब होता है नेम, नोमेन का मतलब क्या होता है, नेम। इसलिए कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन, ये लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। दस नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो एक तरह से नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है जो नाम बताता है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, थिंग थिंग का नाम हो, थिंग मतलब जो भी कुछ आप सोच सकते हैं, जितनी भी दुनिया में वस्तु होती है वो सब। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक
ठीक है ना। थिंक मतलब होता है एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, थिंक मतलब जो भी चीज हम सोच सकते हैं वो सब चीजें उनका अगर नाम रख सकते हैं तो फिर वो नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया, ठीक है ना। ये होती है इसकी नॉशनल डेफिनेशन। नाउन एक पर्सन का प्लेस का थिंग का इनका नाम होता है, ठीक है ना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आगे बात करते हैं, पर्सन जैसे आप नाम रख दिया राहुल कुलदीप, ये पर्सन है। प्लेस की बात करें आमिर जयपुर इंडिया, तो ये प्लेस होगा, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम। थिंग पेन चेयर कॉफी, इनके नाम को आप लोग क्या कहते हैं, नाम नाउन कहते हैं। ये थिंग के नाम हो गए, आइडिया फ्रीडम ऑनेस्टी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये आइडियाज हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। तो ये जो पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया के जो नाम है इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप लोग नाउन कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन मतलब क्या काम करता है एक नाउन, उसके हिसाब से भी डेफिनेशन होती है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो ए वर्ड विच इज यूज एज अ सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, उसे ही आप जो है नाउन कहते हैं, ठीक है ना। एक नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे द बॉय बीट्स हर, यहां पे बीट वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, और द बॉय इस वर्ब बीट का सब्जेक्ट है। ऐसा शब्द जो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसे आप नाउन कहते हैं, जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो। द बॉय बीट्स हर, या बॉय सब्जेक्ट है। अगर ऐसे हो जाए शी बीट्स द बॉय, तो बॉय वहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो बॉय वर्ड है ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। तो ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है उसे आप नाउन कहते हैं, ठीक है ना। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, इसे आप लोग नाउन कहते हैं। और देखिए आप इसमें द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे शी बीट्स द बॉय, यहाँ शी सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है, और द बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो द बॉय थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट काम कर रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे ही आप लोग नाउन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का भी काम, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आई स्पोक टू टॉम, मैंने टॉम से बात की, तो एक्चुअली वर्ब भी है स्पोक टू बट फिक्स है टू, तो टू प्रपोजिशन के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। आई स्पोक टू टॉम, मैंने टॉम से बात की, आई स्पोक टू टॉम, तो टॉम यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, और टॉम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब के भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। वर्ब कौन कौन से हो सकती है, बी है, बिकम है, सीम, और बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं जिनको कॉपुला या लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जिनके बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे टॉम इज एन एक्टर, तो ये टॉम तो सब्जेक्ट है और इसका कॉम्प्लीमेंट है एक्टर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में तो आप पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कह सकते हैं कि इसका खुद का कोई एंटिटी नहीं होता, खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, इट हैज नो इट्स ओन एंटिटी, खुद का अस्तित्व नहीं होता। इट टॉक्स बैक टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की बात करता है, उसके बारे में बात करता है, और इट टॉक्स बैक टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे टॉम है एक एक्टर, टॉम क्या है, एक एक्टर है, तो टॉम है एक्टर, एक्टर कौन है, टॉम है, ये टॉम के लिए यूज हुआ एक्टर, एक्टर टॉम के लिए है, टॉम एक्टर के लिए है, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये एक्टर कौन है, टॉम है, अलग नहीं है कोई चीज, और ये इस वर्ब, देखो बी वर्ब, बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट के यूज होता है,
बी वर्ब के बाद या तो कॉम्प्लीमेंट आता है या एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और मैं क्या हूं? टीचर हूं। ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं टीचर हूं तो मैं ही टीचर हूं, टीचर मैं हूं। टीचर कोई अलग से नहीं है, आई के लिए यूज हो रहा है, इसे आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, मतलब टीचर कौन है? मैं हूं। मैं कौन हूं? टीचर हूं। तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। जैसे हम बात करें राम इलेक्टेड हिम मॉनिटर, राम ने उसे मॉनिटर बनाया, तो उसको क्या बनाया? मॉनिटर। मॉनिटर किसको बनाया? उसको। तो यहां पे मॉनिटर हिम के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सब खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। टॉम इज एन एक्टर, तो ये नाउन है, पर एक नाउन काम करता है किस किस का? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट। एक सब्जेक्ट का काम करता है, एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है और एक ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी फंक्शनल डेफिनेशन। एक हो गई नोशनल, इसका नोशन मीनिंग क्या होता है? ये नेम है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। फंक्शन की बात करें तो ये तीन फंक्शन करता है, नाउन सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। और तीसरा है इसका मॉर्फोलॉजिकल। देखिए मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिफिएबल यूज होते हैं इसमें, जैसे कि एस और यस। ए नाउन इज अ वर्ड विच कैन यूज एस और यस इन इट्स प्लूरल फॉर्म। इसकी प्लूरल फॉर्म में एस और यस लगाते हैं। जैसे बॉय पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, बॉय में एस लगे, बॉयज। क्लास की बात करें तो क्लास में ई एस लग सकता है, बॉयज क्लासेस, ठीक ना। तो या तो इनके प्लूरल में एस लगता है या इनके प्लूरल में ई एस। तो जिन शब्दों को एस और यस लगाकर आप प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन होते हैं। ए नाउन इज अ वर्ड विच कैन यूज एस और यस इन इट्स प्लूरल फॉर्म, जो अपने प्लूरल फॉर्म में एस और यस यूज कर सकता है। एंड द अपोस्ट्रफी इन इट्स पजेसिव केस, और अपने पजेसिव केस में अपोस्ट्रफी यूज करता है। ऐसा काम न प्रोनाउन करता है, ऐसा काम न वर्ब करती है, न काम ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब करता है, न प्रोपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन करते हैं। एस और यस जड़ के प्लूरल बनाना और अपोस्ट्रफ एस का यूज होना, ये केवल नाउन में होता है। तो ये नाउन की मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन हो गई, ये डिफरेंस हो गया बाकी और पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आप एस और यस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, अपोस्ट्रफे या अपोस्ट्रफे एस लगाकर इनका पजेसिव केस बना सकते हैं। ये ऐसी फैसिलिटी प्रोनाउन या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होती है। ये मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन है नाउन की। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, बॉयज फादर, अपोस्ट्रफे एस लगा के पजेसिव केस बना दिया। मैंगो का प्लूरल मैंगोज हो गया, नेहा में अपोस्ट्रफे एस लगा के नेहाज मोबाइल, ये उसका पजेसिव केस हो गया। तो एस और यस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, अपोस्ट्रफे एस लगा के पजेसिव केस बना सकते हैं। ऐसा काम हम लोग नाउन के साथ कर सकते हैं। तो ये नाउन की तीसरी डेफिनेशन हो गई, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन। तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन फाइव काइंड्स हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश इनको दो प्रकार में बांटती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उस पर बात करेंगे। बट फिलहाल देखिए पांच प्रकार के हैं। एक तो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन का नेम थिंग जो इनका नाम बताए। कॉमन नाउन मतलब एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी कोई भी नाउन हो सकता है, ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द सेम काइंड, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन हो गया द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। पांच तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को अलग अलग डेफिनेशन, इनके मेन मेन फीचर्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स, उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम को, पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, एनी पर्सन एनीथिंग, तो वो कॉमन नाउन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर। किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का और थिंग के नाम को आप लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन की बात करें तो कुलदीप, सुधा, धृतिका, दुष्यंत, ये जो है पर्सन के नाम।
किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को आप पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा पर्सन का नाम हो सकता है, ऐसा प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे जयपुर, इंडिया, आमेर, राजस्थान, एशिया या एजा, ये प्लेस के नाम। थिंग की बात कर सकते हैं, जैसे बाइबल, द राजधानी एक्सप्रेस, द बाइबल भी हो सकता है, द बाइबल, धार्मिक ग्रंथों से पहले द लगाते हैं हम लोग। एनिमल के नाम, जैसे डॉग के नाम रख रहे हैं हम लोग, मोती, जॉय, जिमी नाम रख देते हैं लोग, तो ये अगर डॉग कह रहे हैं तो कॉमन नाउन है, नाम रख दिया मोती, जॉय, जिमी, तो फिर ये पर्टिकुलर डॉग के नाम हो गए, और पर्टिकुलर एनिमल का नाम, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, वो प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन। ऐसे गाय के नाम रख सकते हैं आप, लक्ष्मी, धन्नो, जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा एक घोड़ी एक मेयर होती है जिसका नाम बसंती क्या बोलती है, धन्नो बोलती है, धन्नो आज हमारी इज्जत का सवाल है, तो उस जानवर को उसने नाम से बोलती है, ठीक है ना। ये चीज है मेन फीचर्स। अब एक प्रॉपर नाउन के मेन फीचर्स क्या, सबसे बड़ा फीचर तो यही है प्रॉपर नाउन का कि ये ना जब भी सेंटेंस में लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये अनकाउंटेबल होते हैं, आप ये नहीं कहते जयपुर एक, जयपुर दो, जयपुर तीन, जयपुर, इनसे पहले आर्टिकल का भी जनरली यूज नहीं करते, ए एन द का यूज नहीं करते, प्रॉपर नाउन पर जनरली हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ये काउंटेबल नहीं होते, आप टू जयपुर, थ्री जयपुर, टू राम्स, थ्री राम्स जनरली हम नहीं बोलते, कोई बहुत पर्टिकुलर केस आ जाए तो बात अलग, ये खास बात होती है इन नाउन्स की, प्रॉपर नाउन की। तो चार पांच इसके मेन मेन फीचर्स हैं, देखिए मेन फीचर्स क्या है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, कैपिटल लेटर से स्टार्ट, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बड़ा होगा, इट इज जनरली अनकाउंटेबल। दूसरी खास बात क्या है, ये अनकाउंटेबल होता है, इसको काउंट नहीं करते, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल, इनके प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं तो सिंगुलर ही होते हैं, इनके प्लूरल जनरली नहीं होते, जयपुर, दिल्लीज, ऐसे नहीं होता। जनरली वी डोंट यूज एन आर्टिकल और डिटरमिनर बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जनरली हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल कोई डिटरमिनर यूज नहीं करते प्रॉपर नाउन से, बट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा पॉसिबल है, जैसे बाइबल एक प्रॉपर नाउन है बट द का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उनसे पहले द लगाते हैं, द हिमालयस पर्वतों की श्रृंखलाओं से पहले द लगाते हैं, एक पर्टिकुलर पहाड़ के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगते, तो विशेष परिस्थिति में सकता है, अगर वो चेन्स ऑफ माउंटेन्स हो, वो कोई बुक स्क्रिप्चर हो, शेक्सपियर, ए शेक्सपियर किया जा सकता है, अगर हम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई किसी बुक की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं देयर इज अ शेक्सपियर ऑन माई शेल्फ, जो घर पे मेरी बुक शेल्फ है उसमें एक शेक्सपियर रखी हुई है, एक शेक्सपियर मतलब ए ड्रामा, ए पोएट्री, पोएट्री ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ये मतलब हो सकता है। ए मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ भी प्रॉपर नाउन है, उससे पहले ए लगा दिया तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो जाएगा, ए मिस्टर स्मिथ अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब वो अननोन टू स्पीकर, बोलने वाले के लिए क्या है वो अननोन है, जैसे मैं कहूं ए मिस्टर स्मिथ इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कोई मिस्टर स्मिथ आपका बाहर वेट कर रहे हैं, कोई मिस्टर स्मिथ, तो ये अननोन हो गया स्पीकर के लिए, ऐसे केस में कर सकते हैं बट जनरली यूज नहीं होता, अगर कहीं यूज हो रहा है इनसे पहले आर्टिकल तो कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, कोई ना कोई डिफरेंट मीनिंग है, फिर वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, पर्टिकुलर पर्सन की तरह यूज नहीं हो रहा, वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, उसका मीनिंग बदल गया, उसका सेंस चेंज हो गया, ऐसा होता है। तो ये इसके तीन मेन फीचर्स हैं, और देखते हैं आगे, फिर कॉमन नाउन की बात, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन की बात, कॉमन नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो ये ए नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे बॉय, तो बॉय में बॉय जो होते हैं ना वो सभी एक क्लास के हैं, और उसको पर्टिकुलर नाम नहीं, बॉय में कोई भी लड़का होता, मैं भी लड़का हूं, आप भी लड़के, ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, सब लड़के, लेकिन पर्टिकुलर नाम रख दिया तो फिर वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मतलब ए नेम और नाउन विच डिनोट्स एनी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एनी, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी प्लेस, एनी थिंग ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास के, एक ही वर्ग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाउन, कोई भी प्लेस हो सकता है, ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, इसे आप कॉमन नाउन कहते हैं, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग ऑफ द सेम क्लास।
इट इज यूज फॉर अ जनरल नेम, इसका यूज हम जनरल नेम के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर नाम के लिए करते हैं, जनरल नेम के लिए करते हैं। पर्सन जैसे हम बात करें, बॉय, गर्ल, लड़का कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, चाइल्ड बच्चा कोई भी हो सकता है, मैन, किंग, फ्रेंड, चीट, बेईमान, चीटर नहीं बोलते हैं इसको, चीट कहते हैं, स्टूडेंट, कुक, ड्राइवर, फिलोसोफर, ये सारे कॉमन नाउन। अगर आपने फिलोसोफर का नाम रख दिया डॉक्टर राधाकृष्णन तो फिर वो प्रॉपर नाउन। एक बॉय का नाम आपने रख दिया दुष्यंत, गर्ल का नाम रख दिया धृतिका, तो ये पर्टिकुलर नेम हो गए, तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाए, ठीक है ना। ऐसा प्लेस, प्लेस की बात करें, छोटे प्लेस से लेके बड़े प्लेस तक बात करते हैं, जैसे रूम, हाउस, फील्ड, खेत, रूम हो गया, हेमलेट, ढाणी, छोटा जो गांव होता है, छोटा सा 10-5 घर होते हैं, ढाणी, हेमलेट, कॉलोनी, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेशन, हार्बर, कोई बंदरगाह, कंट्री, यूनिवर्स, कॉन्टिनेंटल, ये सब जो है ये कॉमन नाउन है। लेकिन कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया आपने यूरोप, एशिया, तो फिर वो प्रॉपर नाउन। थिंग की बात करें, जैसे पिन, छोटी सुई से लेकर के पिन से लेकर के जहाज तक, सब एनी थिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, कोई भी चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वो सब थिंग में है। जैसे पिन है, नीडल, सुई, पेन, शर्ट, कोट, बुक, चेयर, कार, बस, शिप, शिप कहते हैं ना, सुई से लेकर जहाज तक, प्लेन, मैंगो, एप्पल, खाने पीने जो फ्रूट्स वगैरह के नाम है वो भी इसमें आ सकते हैं। अगर वो चीजें खाने में यूज हो रही हैं तो फिर वो मटेरियल नाउन हो जाता है, यूज हो रहा है। और वैसे अगर आप सिंपल बात कर रहे हैं कि वो नाम बता रहे हैं तो फिर वो कॉमन नाउन रहता है, यूज अगर उस चीज का हो रहा है वहां खाने पीने में तो फिर वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे इस बात। इसके अलावा एनिमल, एंट, बर्ड, स्नेक, डॉग, वुल्फ, काउ, टाइगर, यू, यू होता है मादा भेड़, यू, EWE, इसको यू कहते हैं, यू इसका प्रोनंसिएशन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। मादा भेड़ फीमेल शीप होती है। अगर नर भेड़ की बात करें तो रैम होता है, रैम, RAM, रैम, तो यू, रैम, ये सब एनिमल के नाम, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है ना। तो ये सब हो गए कॉमन नाम। इसके मेन फीचर्स की बात करें अगर तो चार फीचर्स आपके सामने है। कॉमन नाउन आर काउंटेबल, कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं था, इसको आप गिन सकते हैं, ए बॉय, वन बॉय, टू बॉयज, फाइव बॉयज, काउंटेबल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, सिंगुलर फॉर्म भी हो सकती है, प्लूरल फॉर्म भी, ए बॉय भी कह सकते हैं और सम बॉयज भी कह सकते हैं। दे स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स, ये प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। वी कैन यूज आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, इनके साथ हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं बिफोर अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है, कॉमन नाउन से पहले क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन में नहीं करते, ठीक है ना। फिर देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये एक्चुअली कॉमन नाउन ही है, बट कॉमन नाउन को जब एक किसी ग्रुप में डाल देते हो, एक ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज नोन एज कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप होता है ऑफ द सेम काइंड, पर्सन ऑफ सेम काइंड, प्लेस ऑफ सेम काइंड, एनिमल्स ऑफ सेम काइंड, थिंग्स ऑफ सेम काइंड, उसके ग्रुप को आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इतनी सी बात, कॉमन नाउन के ग्रुप को एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप, ये किसी कलेक्शन का नाम होता है, किसी ग्रुप का नाम होता है, ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ये इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्संस, थिंग्स, एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्लास कहते हैं, शीप के ग्रुप को आप हर्ड कहते हैं, पहाड़ों के ग्रुप को आप रेंज या चेन्स कह देते हैं, फ्लावर्स के ग्रुप को आप बूके कह देते हैं, एक जैसी चीज के ग्रुप को आप लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ मेंबर्स हैं उनके ग्रुप को आपने कमिटी कह दिया, काउंसिल कह दिया, कैबिनेट कह दिया, है ना, आपने जजेस के ग्रुप को जूरी कह दिया, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कह दिया, ये सब कलेक्टिव नाउन है, सेम काइंड,
ग्रुप ऑफ persons, things or animals of the same kind is known as collective noun. Collective noun is the name of collection or group of persons, animals or things of the same kind. Ek prakar. In other words, we can say that a group of common noun. Ek common noun ka group hota hai na, kuch jo ek jaise jo common noun ka group hota hai, known as collective noun. Use hi aap collective noun ke. ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन में वही फीचर्स होंगे जो कॉमन नाउन में होते हैं. जब चार फीचर पढ़े थे तो वही हो जाएंगे. ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं कि सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकते हैं, इनके साथ आर्टिकल और डिटनर्स यूज कर सकते हैं. सेम बातें होंगी. एक कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज एज अ कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन को आप किसके रूप में यूज कर सकते हैं? कॉमन नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं. कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन एक ही बात है, कॉमन नाउन का ग्रुप को आप लोग कलेक्टिव नाउन. जैसे जो फैमिली ग्रुप हो गया, ये परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनको आप फैमिली कहते हैं. ए फैमिली कह सकते हो, द फैमिली. मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं. कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल यूज हो सकता है. कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं, इनके साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं. फैमिलीज इसका प्लूरल बना सकते हैं, फैमिली का प्लूरल फैमिलीज हो सकता है. द फैमिलीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना. मतलब आर्टिकल यूज हो सकते हैं, द फैमिली, द फैमिलीज. तो ये खास बात होती है कलेक्टिव नाउन. फिर आगे देखिए, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ. मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में आप पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्त. तो मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई चीज किससे बनी है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसको आप मटेरियल नाउन. जिससे कोई चीज बनती है और जिसका कोई यूज भी होता है ना, उसका कोई यूज भी होता है. जैसे खाने पीने की चीज का यूज होता है खाने पीने, तो वो भी आएगा. लकड़ी का यूज होता है चेयर बनाने में, आयरन का यूज होता है चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, ठीक है ना. तो जिनसे कुछ चीजें बनती हैं, जिनका कोई यूज होता है, उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को, उस इंग्रेडिएंट को आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक. इसमें गैस भी आती हैं, इसमें लिक्विड्स भी आते हैं, इसमें सॉलिड चीजें भी आती हैं, ठोस चीजें भी आती हैं. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल. मटेरियल नाउन नेम है किसका? मटेरियल का, सब्सटेंस का, इंग्रेडिएंट्स का, विच इज यूज टू फॉर्म अदर थिंग्स. जो दूसरी चीजें बनाने में काम आते, which is used to form other things, जो दूसरी चीजों को बनाने में काम आते हैं. They can be articles of food or drink as well. ये articles के और food और drink के चीजें हो सकती हैं. ये articles खाने पीने की चीजें भी, articles भी इसमें आएंगे. Articles of food or drink means जैसे rice है, wheat है, bread, food, sugar, tea, coffee, milk, ghee, butter, buttermilk, छाछ, buttermilk छाछ होता है. तो ये सब चीजें खाने पीने की चीजें हैं, ये सब भी मटेरियल नाउन में आएंगी, क्योंकि इनका कोई यूज होता है, इनको हम खाने में यूज करते हैं. ये हमारे फूड का, ये हमारे डिशेस का, मील का, फूड का पार्ट है. तो जो हमारे कुछ चीजें बनती, जो खाना बनता है, ये हमारा खाना है, ये मटेरियल है हमारे लिए, मटेरियल नाउन है, खाने पीने चीजें, ठीक है ना. देखिए इसमें मेन फीचर्स की बात करें तो मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ये अनकाउंटेबल नाउन होता है. अनकाउंटेबल मतलब इसको आप काउंट नहीं कर सकते. कंसिडर्ड एज ए सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर मान, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल है. और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सब सिंगुलर होते हैं. जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते वो प्लूरल कैसे होंगे? वाटर प्लूरल नहीं होता, मिल्क प्लूरल नहीं होता, गैस जो प्लूरल नहीं होती, खाने पे जो प्लूरल, फूड प्लूरल नहीं होता, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर में आते हैं. इट हैज नो प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, सिंगुलर ही होते हैं. इट कैन टेक आर्टिकल बिफोर इट इन जनरल. ये जनरली अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं करते, कांट टेक. इनके साथ आर्टिकल डिटर्मिनर जनरली यूज नहीं होते. आप ए मिल्क, एन ऑनेस्टी जनरली हम नहीं बोलते. कोई विशेष अर्थ हो जाए, स्पेसिफिक मीनिंग हो जाए तब भले, अदरवाइज इनके साथ हम लोग आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करते, ठीक है ना. और देखिए, जैसे गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ विमेन.
सोना जो होता है वो औरतों की कमजोरी होती है, और यहाँ गोल्ड मतलब हम जनरल गोल्ड की बात, जनरल सेंस की बात। तो गोल्ड जब जनरल सेंस बात कर रहे हो, पहले कोई आर्टिकल यूज मत करो। लेकिन अगर आप ये कहें द गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर, भारत का सोना, ये तक आइडेंटिफाइड है कौन से सोने की बात कर रहे हैं जो भारत में होता है, जो भारत की खानों से निकलता है, वो बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। द गोल्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वो बहुत ही रेयर, पर्टिकुलर सेंस में इंडिया के सोने की बात। द गोल्ड इन माई रिंग कह सकते हो, मेरी अंगूठी में जो सोना है, द गोल्ड इन माई रिंग इज फेक, वो नकली है, आप लगा सकते हैं। Everybody wants to have gold. हर कोई gold चाहता है। यहाँ पर भी कोई article use नहीं होगा। Everybody wants to have gold with him. हर कोई अपने साथ gold रखना चाहता है। तो यहाँ पर जो चीजें ये general sense बात कर रहे हैं, और ऐसे केस में आप कोई भी article use नहीं करें, ठीक है ना? कोई article use यहाँ नहीं होगा। A material noun is a type of common noun. Material noun भी कई बार ना common noun की तरह ही होता है, पता ही चलता से mango है, वो common noun भी है, वो material noun। अगर सब कुछ यूज हो रहा है तो मटेरियल नाउन है, यूज नहीं हो रहा तो कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन, बट ए डिस्टिंक्शन इज बिटवीन द टू, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। एक अंतर तो ये है कि मटेरियल नाउन जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल होता है। एक यूज वाली बात है, एक कॉमन नाउन इज यूजली काउंटेबल नाउन, एक कॉमन नाउन जनरली काउंटेबल होता है, बट ए मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। यहां जो काउ है ये तो कॉमन नाउन है क्योंकि काउंटेबल है, काउ का काउस कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल है, मिल्क को गिन नहीं सकते थे मटेरियल। और वैसे भी काउ जो होता है ना, ये काउ कोई भी काउ हो सकती है, ठीक है ना? और यहाँ पर इसका काम है दूध देना। दूध जो है वो ऐसी चीज है जो हमारे काम आती है, खाने में, पीने में, इस तरह से इनसे कुछ चीजें बनती हैं, इससे दही बनती है, इससे खीर बनती है। तो जिनसे कुछ चीजें बनती हो और जिनका यूज होता हो खाने पीने में, फूड में, ड्रिंक में, तो उनको आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। और दूसरी पहचान ये होगी कि भाई मिल्क जो है ना वो अनकाउंटेबल होता है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना? काउ तो कॉमन नाउन है क्योंकि काउंटेबल है, जबकि मिल्क मटेरियल नाउन है क्योंकि ये अनकाउंटेबल, ठीक है ना? तो मटेरियल नाउन मतलब ये काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। और देखिए मटेरियल नाउन हैज इट्स यूज, मटेरियल नाउन का ना यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट बात। मटेरियल नाउन का कोई यूज होता है, कोई काम आता है। राइस इज ग्रोन इन बंगाल, राइस जो है वो बंगाल में उगाए जाते हैं, तो राइस एक कॉमन नाउन, राइस बंगाल में हो जाता है, तो सिर्फ एक जनरल बात कर रहा है, कॉमन नाउन। लेकिन हम ये कहें कि ही ईट्स राइस डेली, वो डेली राइस खाता है, मटेरियल नाउन, वो डेली राइस खाता है। तो यहाँ राइस खाने के लिए यूज होने लग गया, तो यूज हो गया। अगर यूज हो गया तो फिर ये कौन सा नाउन है? फिर ये मटेरियल, ये फूड हो गया हमारा, खाना हो गया, तो मटेरियल नाउन। सिंपल बात कर रहा, वैसे ही कॉमन नाउन। जैसे हम ये कहें ही एट इंडिया गेट बासमती राइस, तो फिर ये प्रॉपर नाउन। ये वाली क्या बात हो गई? फिर ये तीसरा एग्जांपल हो गया, ही एट इंडिया गेट बासमती राइस, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने राइस के यहाँ पे नाम बता दिया, कंपनी का नाम बता दिया, तो फिर प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? इसको प्रॉपर नाउन। एक ही जो राइस वर्ड है, कभी प्रॉपर नाउन बन रहा है, कभी ये कॉमन नाउन बन रहा है, कभी मटेरियल नाउन। आगे देखिए, और आप फिश लिव इन वॉटर, फिश पानी में रहती है, फिश लिव इन वॉटर, तो फिश कॉमन नाउन है, खाने पीने के लिए यूज नहीं हो रही। फिर मैं कहूं ही ईट्स फिश, कि वो फिश खाता है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया क्योंकि खाने पीने की चीज हो। और हम बात करें ही ईट्स ट्राउट, फिश की एक पर्टिकुलर प्रजाति का नाम बता दिया, ही ईट्स ट्राउट, ही ईट्स हेरिंग्स, वो ट्राउट खाता है, वो हेरिंग्स खाता है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। एज दीज आर द टाइप्स ऑफ फिशेस, क्योंकि ये फिशेस के टाइप्स है, फिश के प्रकार है।
ही ईट्स ट्राउट्स, ही ईट्स हेरिंग्स, ऐसे अगर नाम दे देते हैं तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। फिश लिव इन वाटर कॉमन नाउन है, ईट्स फिश मटेरियल नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर नाम दे दिया आपने, टाइप्स दे दिए उसके, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना, ऐसे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है, हिंदी बोलते ना अमूर्त, अमूर्त है, अमूर्त, अमूर्त मतलब जो कॉन्क्रीट ना हो, जो मूर्त ना हो, जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी सूरत ना हो, ये कॉन्क्रीट का ऑपोजिट होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है? जिसकी कोई शक्ल होती है, जिसकी सूरत होती है, शेप होती है, साइज होती है, कलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अमूर्त है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एक आइडिया होता है, केवल एक आइडिया है, जिसको आप यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, इट इज अ नेम ऑफ आइडिया, इट इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, इट इज अ नेम ऑफ स्टेट, इट इज द नेम ऑफ एक्शन। जो क्वालिटी का नाम होता है, जो एक्शन का नाम होता है, जो स्टेट का नाम होता है, स्थिति का, परिस्थिति, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, ये सब क्या है? ओल्ड ओल्ड, ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो किसी क्वालिटी का नाम बताते हैं, किसी स्टेट कंडीशन का नाम बताते हैं, या किसी एक्शन का नाम बताते हैं। इट इज द नेम ऑफ आइडिया। एक्चुअली ये इनटेंजिबल होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, दे कैन बी ओनली फेल्ट, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता, इन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट ना। जैसे चीनी है, चीनी को आप देख सकते हैं, उसकी शेप साइज होती है, लेकिन चीनी में जो मीठापन है उसको आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे आप तो शुगर में जो स्वीटनेस है, मीठापन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शुगर मटेरियल हो। द नेम ऑफ एन आइडिया, बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एन आइडिया, ये किसी एक आइडिया का नाम होता है, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, और स्टेट और एन आइडिया, या किसी स्थिति और किसी आइडिया का नाम। नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ एन एक्शन, नेम ऑफ एन आइडिया, ये किसी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया का नाम होता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, वी कैन ओनली फील इट, केवल इसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? बस फील कर सकते हैं। कैन बी ओनली फेल्ट, वी कैन ओनली फील इट, इसको इसलिए इनटेंजिबल भी कहते हैं। जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, उसे आप इनटेंजिबल कहते हैं। जैसे क्वालिटी की बात करें हम लोग, तो ऑनेस्टी इसमें आएगा, ब्रेवरी इसमें आएगा, बहादुरी, विजडम इसमें आएगा, ईमानदारी, बहादुरी, विजडम, बुद्धिमता, इसको हम छू नहीं सकते भाई, इसको हम देख नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं? इनको महसूस कर सकते। गुडनेस, बैडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, स्वीटनेस, ब्राइटनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अधिकतर तो इसमें कुछ तो जैसे ब्रेव एडजेक्टिव से बने हैं, वाइज एडजेक्टिव से बने हैं, कुछ नाउन से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, कॉमन नाउन से बनते हैं, ये वर्ब से भी बनते हैं, जैसे मूव से बन गया मूवमेंट, जज से बन गया जजमेंट, तो ये वर्ब से फॉर्म हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव से फॉर्म हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से फॉर्म हो सकते हैं, और ये क्वालिटी को बताते हैं, जो क्वालिटी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्वालिटी है, ठीक है ना। और देखिए अब एक्शन हो सकता है, जैसे लाफ, लाफ एक वर्ब है, और इस वर्ब से बना लाफ्टर, तो लाफ्टर, थेफ्ट, चोर से, थीफ से बना थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, मूव वर्ब से बना मूवमेंट, जजमेंट,
हेट वर्ब से बना हेट्रेड, नफरत, हेट नफरत करना वर्ब से बन रहा है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से बनते हैं, कुछ एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ नाउन से ही बन जाते हैं। ग्रोथ, थॉट, पनिशमेंट, प्रोटेक्शन, ये सब एक्शंस हैं और ये एक्शन है जो वर्ब वगैरह से बने हैं और इन्हें आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एक्शन भी इसमें आते हैं, क्वालिटी भी इसमें आती है और स्टेट भी आते हैं, जैसे स्थिति, बचपन की स्थिति, चाइल्डहुड, बॉयहुड, लड़कपन, यूथ, जवानी, डेथ, मृत्यु, शॉर्टेज, पॉवर्टी, गरीबी, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, नींद, सिकनेस, बीमारी, ये सब स्टेट है। तो नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ स्टेट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज अ नेम ऑफ आइडिया, इट इज अ नेम ऑफ क्वालिटी विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, ये इनटेंजिबल होती है, ठीक है ना। तो देखिए आप मेन फीचर्स क्या है इसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल। एक तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है, जनरली सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, इसको काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये भी काउंट नहीं होते, वन ऑनेस्टी, टू ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, दी ऑनेस्टी, जनरली इनसे पहले आर्टिकल भी नहीं लगाते हैं, डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं, इनके डिटर्मिनर तो लगा सकते हो, देखना पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन कौन से आ सकते हैं, जनरली नहीं यूज होता, इनके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाए जाते। मेन फीचर जनरली ऐसा नहीं होता, कुछ विशेष अर्थ हो जाए तो कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, जनरली जनरली अक्सर इट डज नॉट टेक एन आर्टिकल, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता। द नेम्स ऑफ आर्ट्स, द नेम्स ऑफ साइंसेस, जो अलग अलग आर्ट्स के विषय है, साइंस के विषय है, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जैसे ग्रामर, बायोलॉजी, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो नेम ऑफ आर्ट्स एंड नेम ऑफ साइंस, ये सब भी किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही यूज होते हैं, ठीक है। और देखिए आप कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त और कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, ये मूर्त होता है, मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, इसकी शक्ल सूरत होती है। कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल, कॉन्क्रीट भी कुछ मटेरियल थिंग्स होते हैं, कॉन्क्रीट मटेरियल थिंग्स के नाम, मटेरियल चीजों को आप देख सकते हैं क्योंकि वो मटेरियल है, वो शेप है, उनकी साइज है, उनका कलर है, कॉन्क्रीट नाउन तो मटेरियल होता है, जैसे थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, इसकी कोई मटेरियल फॉर्म होती है, शेप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, साइज होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, लेकिन ये उस मटेरियल नाउन की जो क्वालिटी होती है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट, कोई मटेरियल नाउन तो कॉन्क्रीट नाउन और उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फाउंड इन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग प्रकार की ऑब्जेक्ट्स में, चीजों में जो क्वालिटी आपको नजर आती है वो क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म, क्योंकि इनका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता, दे कैन नॉट बी सीन और टच, इसलिए इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप टच नहीं कर सकते। वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू आवर माइंड, केवल दिमाग से इनको हम समझ सकते हैं, फील कर सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, अपने दिमाग से केवल इनको एक एहसास कर सकते, फील कर सकते। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, शुगर जो होता है ना ये कॉन्क्रीट है, शुगर क्या है दोस्तों, कॉन्क्रीट है, लेकिन स्वीटनेस ये एब्स्ट्रैक्ट, शुगर कॉन्क्रीट है लेकिन जो उसके अंदर स्वीटनेस होती है वो एब्स्ट्रैक्ट ना होता है, क्या होता है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी मेंटल प्रॉपर्टीज होती है। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनता है, तो बता रहा था भी आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से, जैसे वाइस से बन गया विजडम, ये बनते हैं वर्ब से, जैसे मूव से बन गया मूवमेंट, मूव वर्ब है, मूवमेंट एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन से बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन से बना सकते हैं, तो इनको अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। जो मेरी इंग्लिश वाली बुक है उसमें मैंने एक लिस्ट दी है पूरी आपको, इससे ज्यादा नाउन उसमें मैंने काफी कुछ पढ़ा रखा है, काफी कुछ लिखना है, लिख रखा है, आप देखना, पढ़ा मजा आएगा आपको। उस बुक में मैंने बता रखा है कि कौन कौन से एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाए, किस किस तरह से बनाए, कौन कौन से वर्ब से बनाए, कौन कौन से कॉमन नाउन से, प्रॉपर नाउन से,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो पूरी लिस्ट मैंने वहां दे रखी है, उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, आपको मजा आएगा। ठीक है, अपनी बुक में, जो मेरी बुक है केटी सर्स कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, उसमें आप देखना, आपको मजा आएगा। अच्छा, आजकल इन नाउन्स को ना दो भागों में बांटने के लिए मॉडर्न इंग्लिश नाउडेज, जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जो काउंट नहीं किए जा सकते वो अनकाउंटेबल है। तो देखो, काउंटेबल नाउन, दो तरह के नाउन होते हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जो होता है वो हाउ मेनी का आंसर हो, हाउ मेनी मतलब कितने, जो जवाब दे दे कितने हैं, दो है, तीन है, पांच है, एक है, तो काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, बस इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, उन्हें आप काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे बुक आप काउंट कर सकते हो, मेरे पास वन बुक है, टू बुक्स है, थ्री बुक्स है। ऐसे पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, फैमिली, ये सब कॉमन नाउन है, और ये फैमिली वाला जो है ये कलेक्टिव नाउन है, इन सबको काउंट किया। काउंटेबल नाउन में दो तरह के आते हैं, देखो काउंटेबल में सी और कॉमन नाउन में भी सी और कलेक्टिव नाउन में भी सी। बहुत इजी हो गया, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, दो होते हैं, काउंटेबल में सी आता है, कलेक्टिव में सी आता है, कॉमन में सी आता है। काउंटेबल नाउन दो ही होते हैं, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है ना। एक तो एक कॉमन नाउन के एग्जांपल हो गए, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल। काउंटेबल नाउन की अगर हम इंपॉर्टेंट बात देखें, काउंटेबल नाउन हैज टू फॉर्म्स, इसके भी दो फॉर्म होते हैं काउंट करने में, अगर वो एक आता है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल। एक से ज्यादा मतलब सवा, डेढ़, दो, पौने, तो जो फ्रैक्शंस होते हैं ना एक और दो के बीच वाले, वो भी प्लूरल के अंदर, एक से ज्यादा प्लूरल, एक है तो सिंगुलर। ए काउंटेबल नाउन कैन टेक सिंगुलर कार्डिनल्स, इसमें सिंगुलर कार्डिनल यूज कर सकते हैं, जैसे वन है, ए है, एन है, सिंगुलर कार्डिनल यूज हो सकते हैं, सिंगुलर नंबरिंग बताने वाले, और प्लूरल कार्डिनल्स भी यूज हो सकते हैं, टू, थ्री, एटसेट्रा, ये भी इसमें यूज किए जा सकते। ए काउंटेबल नाउन हैज इट्स प्लूरल फॉर्म, काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे बुक का बुक्स कर सकते हैं, फैमिली से टू फैमिलीज, और इसमें आप लोग ये ए लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, सिंगुलर कार्डिनल लगा सकते हैं, प्लूरल कार्डिनल का यूज कर सकते हैं, इनके सिंगुलर के प्लूरल बना सकते हैं, ये सब खास बात होती है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन। फिर देखिए अनकाउंटेबल, ये हाउ मच का आंसर। काउंटेबल नाउन हाउ मेनी का आंसर होते हैं, कितने, संख्या, नंबर्स की बात करते हैं, और अनकाउंटेबल हाउ मच, क्वांटिटी की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तो काउंटेबल हो गए, और तीन बच गए प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, ऑयल, शुगर, कोल्ड, ये सब मटेरियल नाउन है। ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉपर नाउन जयपुर, दिल्ली, गांधी, सचिन, इनको भी आप जनरली काउंट नहीं करते, तो ये भी किसमें आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल में कौन कौन आएंगे, अनकाउंटेबल में आते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीन जो नाउन होते हैं ना, ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, They mainly denote substances and abstract things. इसमें uncountable noun में जो substance होते हैं, पदार्थ, यानी कि material noun, और abstract things, यानी कि abstract noun, ये चीजें आती हैं। Uncountable nouns are considered as singular, क्योंकि गिन ही नहीं सकते,
इसलिए कभी प्लुरल नहीं हो सकते, ये सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और जनरली दे डोंट हैव देयर प्लुरल फॉर्म, कि प्लुरल फॉर्म होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बुक्स, हम बुक्स तो कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, लेकिन हम मिल्क्स नहीं कह सकते, क्योंकि मिल्क्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के प्लुरल नहीं बनाए जाते। इनके साथ ए एन का यूज भी नहीं करते, वन टू थ्री का यूज भी नहीं करते, कार्डिनल्स और जो सिंगुलर कार्डिनल और प्लुरल कार्डिनल्स का यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल डिटरमिनर्स का यूज नहीं कर सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते, तो इनके सिंगुलर प्लुरल फॉर्म नहीं होती है, सिंगुलर ही माने जाते हैं हमेशा, ठीक है ना, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। दे डोंट हैव सिंगुलर एंड प्लुरल कार्डिनल बिफोर देम, इनसे पहले सिंगुलर और प्लुरल कार्डिनल यूज नहीं करते, आप वन वाटर नहीं कहेंगे, आप टू वाटर्स नहीं कहेंगे, जयपुर टू जयपुर, ये सब बोलना क्या है दोस्तों, गलत हो जाता है, ठीक है ना, आप काउंट नहीं कर सकते, इनको सिंगुलर प्लुरल नहीं बना सकते। अब कुछ मैंने दो तीन ऐसे वर्ड्स लिए आपके लिए जो एक जैसे मीनिंग रखते हैं, लेकिन उनमें से एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल। जैसे पे, फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं सैलरी वैलरी के लिए, तनखा के लिए फॉर्मल इंग्लिश पे, और सैलरी इनफॉर्मल इंग्लिश में, दोनों वर्ड सेम मीनिंग रखते हैं, पे यानी तनख्वाह आमदनी, एक पे जो है वो फॉर्मल इंग्लिश का है, सैलरी इनफॉर्मल, लेकिन देखना आप अंतर कितना है, जो पे होता है वो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, जबकि जो सैलरी है वो काउंटेबल नाउन, सैलरी कैसा नाउन है, काउंटेबल है, और पे कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक है ना, ये खास बात। सो पे विल नॉट टेक ए बिफोर इट, चूंकि पे अनकाउंटेबल है, इससे पहले ए नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, जबकि सैलरी जो वर्ड है कैन टेक ए, इससे पहले ए लगा सकते बिफोर इट बिकॉज इट इज काउंटेबल। पे से पहले आप ए एन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, सैलरी से पहले आप ए लगा सकते हो क्योंकि काउंटेबल माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, ही हैज अ पोजिशन विद अ गुड पे, उसकी एक बहुत बढ़िया पोजिशन है ऑफिस में, जहां जॉब करता है, अच्छी पे मिलती है उसको, एक गुड पे, और पे के साथ क्या यूज कर दिया उन लोगों ने, ए यूज कर, गलत माना, हमें इसको ऐसे बोलना चाहिए, ही इज अ पोजिशन विद ए हैंडसम सैलरी, पोजिशन विद अ हैंडसम सैलरी, सैलरी काउंटेबल नाउन होता है, इससे पहले ए लगा सकते हैं, और सैलरी के लिए चूंकि जनरली आदमी से जुड़ी हुई रहती है, पहले आदमी पुरानी इंग्लिश के साथ बात करें तो वो लोग काम करने जाते थे, तो आदमी काम करता था, इसलिए उसको गुड सैलरी बजाय है ना हैंडसम सैलरी, फ्रेज है लोग बोलते हैं इस तरह, तो गुड की जगह हमने हैंडसम यूज किया, और ए लगा सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। फिर देखिए फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें, तो फ्रूट अनकाउंटेबल है जबकि वेजिटेबल काउंटेबल ना हो, कितनी अजीब बात है, फ्रूट अनकाउंटेबल है जबकि वेजिटेबल काउंटेबल है। जैसे ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट, खूब सारे फ्रूट खाओ एंड वेजिटेबल्स खाओ, चूंकि वेजिटेबल काउंटेबल नाउन होती है, इसमें एस लगा दिया, फ्रूट में एस नहीं लगाते, फ्रूट में एस तभी लगाते हैं, फ्रूट तभी बोलते हैं जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट की बात करते हो। जैसे एक बास्केट में बनाना भी है, मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, तो आप फ्रूट्स कह सकते हैं, लेकिन केवल उसमें बनाना रखे हुए हैं तो फ्रूट कहे जाएंगे, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है अगर वो भोजन के रूप में है और वैरायटी की बात नहीं, फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव, फ्रूट अनकाउंटेबल, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव, फ्रूट बहुत महंगे होते हैं, बट वेजिटेबल्स आर चीप, लेकिन सब्जियां सस्ती होती है, वेजिटेबल्स एस लगा दिया, आर यूज कर, आई एम ईटिंग फ्रूट ये बोलेंगे, आई एम ईटिंग ए फ्रूट गलत होता है, आई एम ईटिंग फ्रूट्स ये गलत होता है, फ्रूट अनकाउंटेबल होता है इन द सेंस ऑफ फ्रूट, भोजन के रूप में जो फ्रूट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है तो ए फ्रूट नहीं कह सकते, फ्रूट्स नहीं कह सकते, गलत होते हैं, ठीक है ना। और देखिए आगे बढ़ते हैं, देर आर ए वेराइटी ऑफ फ्रूट, ए वेराइटी ऑफ फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट है, वेराइटी ऑफ फ्रूट है, तो अगर वेराइटी की बात करते हो फिर फ्रूट नहीं, फिर फ्रूट्स आए, अलग अलग वेराइटी की बात कर रहे हो तो फ्रूट्स आए, देर आर ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट, बास्केट में अलग अलग प्रकार के फ्रूट रखे,
इट इज काउंटेबल, यहां एक काउंटेबल होगा क्योंकि वैरायटी की बात है। इसके अलावा देखो इट इज ए गोल्डन फ्रूट ऑफ योर हार्ट लिप, यहां पे देखना फ्रूट्स के साथ हमने ए यूज कर दिया, फ्रूट के साथ हमने क्या यूज कर दिया दोस्तों यहां पे ए यूज कर दिया। इट इज ए गोल्डन फ्रूट ऑफ योर हार्ट लिप, ये तुम्हारी कठिन मेहनत का सुनहरा फल है, फल मतलब रिजल्ट है, और रिजल्ट के केस में अगर फ्रूट का मतलब रिजल्ट हो तो फिर ये काउंटेबल हो जाता है, और ऐसे की स्थिति में आप लोग ए का यूज कर सकते हैं। इट इज अ गोल्डन रिजल्ट, इट इज अ गोल्डन फ्रूट ऑफ योर हार्ड एंड डेडिकेटेड लेबर, तो यहां पर ए लगा सकते हैं क्योंकि यहां फ्रूट का मतलब फल ना होकर के रिजल्ट है, परिणाम। इसके अलावा हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू ईट डेली, ये कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रूट्स को देखो यहां पे एस लगा दिया फल के रूप में, मैनी लगा दिया, ये गलत। हमें क्या बोलना चाहिए? हाउ मैनी नहीं, हाउ मच फ्रूट्स नहीं, फ्रूट। हाउ मच फ्रूट डू यू ईट डेली, अब कितना फ्रूट खाते हैं डेली, हाउ मच फ्रूट आएगा, फ्रूट्स नहीं है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए बात हो, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए आप आगे फूड और मील की बात करें तो फूड जो होता है भोजन, ये अनकाउंटेबल है, जबकि मील जो अलग अलग समय पे हम खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो काउंटेबल है। जैसे ट्राई नॉट टू ईट बिटवीन मील्स, जो अलग अलग भोजन होते हैं आपके लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उनके बीच में ट्राई नॉट टू ईट, कोशिश करें ना खाने की, जो एक प्रॉपर आपके दो तीन खाने होते हैं उसी में खाओ, बीच बीच में ज्यादा मत खाओ वरना आपके अंदर जो है कई बीमारियां डिजीज पैदा हो जाए। ट्राई नॉट टू ईट बिटवीन मील्स, मील्स जो है देखो प्लूरल की तरफ, मील का प्लूरल हो सकता है क्योंकि मील कैसा नाउन है, काउंटेबल, मील भी भोजन होता है, फूड भी भोजन, फूड होता है जो हम खाने खाते हैं और मील होता है जो खाने के अलग अलग नाम होते हैं, वो अलग अलग है, प्लूरल कर सकते हैं, काउंटेबल होता है। डिड दे लाइक देयर फूड्स, क्या उन्हें अपने भोजन पसंद आए, तो देर के साथ एक फूड्स यूज कर लिया ना, ये गलत है, फूड में एस नहीं लगेगा इसलिए गलत है, डिड दे लाइक देयर फूड ही होगा, फूड अनकाउंटेबल है, हियर द प्लूरल ऑफ फूड इज नॉट पॉसिबल, यहाँ फूड का पॉसिबल नहीं है प्लूरल, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि फूड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, फूड अनकाउंटेबल होगा, ठीक है ना। आगे देखिए वीट और ओट, वीट जो गेहूं होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जो ओट होता है वो काउंटेबल होता है, बड़ी विशेष बात। माइकल स्वान ने ये अपनी बात में कहा है, अपनी बुक के अंदर कहा है कि वीट अनकाउंटेबल होता है जबकि ओट काउंटेबल ना होता है। जैसे वीट इज यूज टू मेक, वीट इज अनकाउंटेबल इसलिए इज यूज हुआ, वीट इज यूज टू मेक ब्रेड, गेहूं से ब्रेड बनती है, ओट्स आर यूज टू मेक पॉरिज, लेकिन ओट से पॉरिज बनता है, दलिया बनता है, तो ओट्स देखो प्लूरल कर दिया और आठ, तो ओट्स काउंटेबल है, वीट अनकाउंटेबल, ठीक है ना। ट्रेवल और जर्नी की बात करें तो ट्रेवल अनकाउंटेबल नाउन है जबकि जर्नी काउंटेबल नाउन, इसलिए हम बोलते हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस ट्रेवल नहीं बोलते, हैव अ नाइस जर्नी, ए लगा दिया क्योंकि जर्नी जो है ना ये काउंटेबल नाउन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो पांच प्रकार बांटा और फिर उनको दो भागों में बांट दिया मॉडर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन के प्रकार और नाउन की अलग अलग जो नाउन है उनकी फीचर्स, उनके कुछ एग्जांपल्स, ये इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। आई होप ये वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नाउन्स के नंबर्स के बारे में, सिंगुलर प्लूरल को डिस्कस करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इसका, तो सिमिलर और प्लूरल की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।